इसमें जो हमने सप्लीमेंट हम फाइल कर रहे हैं कौन है आप? इन्फॉर्मेंट है? तो लोग स्टेटस इन कंप्लेनेंट का है, सेम स्टेटस हम लोग का है, बिकॉज ऑल आर एग्रीड पार्टी। ये फिनेंशियल का मामला है जो नॉन बैंकिंग का, तो उन्होंने कहा था कि आप सप्लीमेंट्री दीजिए, कि हमने हमारा कहा था कि हमने जितना हम बाहर बोलिए जाने के लिए हल्ला हुआ, बेनिफिशियरी जितने हैं सबको हमने पैसा अपने पॉकेट से जमीन बेच के दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है उसका अखबार में पब्लिश कराइए, तो अखबार में हमने पब्लिश करा दिया, सबका नाम देखिए और कितना किसका पैसा था, कितना हमने दे दिया, और जनरल नोटिस करवा दिया, अगर किसी का फिर भी यहाँ बाकी हो तो वो ले जाए। सेल डीड लगाया आपने? सेल डीड लगाया, जमीन बेचकर पैसा दिया तो? नहीं, हमने अखबार में पूरा डिटेल्स लिखा। आप सेल डीड लगाया अभी हाई कोर्ट में? नहीं, सेल डीड हमने नहीं लगाया। लगाइए, सेल डीड हमने लगाया, हमने बोलने से नहीं होता है। आप केसर करा दिया अखबार में, आपके पास पैसा कहाँ से आया और बाई चेक दिया कि बाई कैश दिया, ये सब बताइए प्रॉपरली। एक बार में पैसा थोड़ी दिया हमने, तो इधर से उधर से तो 40 उनका वगैरह करके पैसा आप, दिया उसको। आप अपना अकाउंट मेंटेन रखे होंगे ना कि मिस्टर एक्स को 100 रुपया दिया, अब इसका इतना बाकी है। जो इन्फॉर्मेशन पैसा हम रिलीज नहीं करेंगे आपके फेवर में। कंप्लेनेंट इफ यू विल नॉट बी एबल एजेंट ही है, if you will not be able to prove that you have given back the amount being the agent to the investor, I will not release the amount in your favor. उनका कहना सही है, लास्ट ओकेजन उन्होंने कहा था। अरे लास्ट ओकेजन कहा था तो लास्ट ओकेजन आप हम सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हमको सप्लीमेंट्री बोलने का पावर नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कि आपने जमीन बेचा, कुछ सैलरी तो लाइएगा दिखाने की आपने जमीन बेचा। ऐसे थोड़े कोई चलते फिरते बोल देगा कि हम 5 कट्टा जमीन बेचे हैं और पैसा दिए हैं। जमीन बेचे कि नहीं, और ऐसा क्या कि कोई एक भी नहीं आ रहा है? इसलिए हुजूर ने कहा आप लोग क्या पेपर क्या को खाना कराइए, जब आपका किसी क्या बाकी हो तो आपसे ले वो हम देखते हैं आप लोग का क्या है। हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 2012 में ही हम रिजाइन कर चुके हैं। हाँ। मेरा कुछ है नहीं। ये पैसा कब निकला? ये पैसा उसके बाद निकला है। आप और दिलीप कुमार जी जो है वो सेक्रेटरी है, उन्होंने ही ड्राफ्ट यहाँ पे जमा किया। 2011 में ही रिजाइन कर दिया। आप 2011, आप 2012, और पैसा का घपला कब हुआ? कंप्लेंट तो मेरे पास, तब देख के आइएगा अगले डेट पर आप सप्लीमेंट्री दीजिए। आफ्टर 12 कर दिया है, आफ्टर 12 दिसंबर बी इन द मेंटेन देयर टू मैरिज इन माय फैमिली। हर्ड द पार्टीज द लर्नेड काउंसिल, वन ऑफ द लर्नेड काउंसिल्स अपीयरिंग फॉर वन ऑफ द एजेंट्स वांट्स टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द एविडेंस। सेल डीड बोला पेपर पेपर पब्लिकेशन का सिर्फ पेपर वांट्स टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द एविडेंस टू इन सपोर्ट ऑफ द फैक्ट that the agent has returned the amount, the money deposited by the investors from his own pocket, put up after 8 weeks interim order to continue।